जैसे आज जानते हैं कि हम आज हम जानते हैं कि आज प्रभु भोज है, क्या है आज? हाँ, और आज खुदा ने मेरे मन में ऐसे डाला कि जो लोग प्रभु भोज लेते हैं वो इस बात को समझें कि प्रभु भोज को लेने का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हा? ताकि वो अच्छे मन से, खुशी से, मन की गहराई से उसे ले सके। कैसे कि इसलिए खुदावंद ने, जब मैं कल प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने इस बात को मेरे मन में लगाया कि मैं इस विषय को आपसे साझा करूं ताकि आपको समझ आए क्या है। और मुझे विश्वास है कि खुदावन आज जो मैंने मांगा, जो खुदा ने मुझे दिया है, आपको उससे भी ज्यादा ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। सो जितने भी इस मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे हैं या बाद में देखें, परमेश्वर ने बरकत दे। और आज का जो विषय है, ये आज का जो विषय है, मेरी चाहत है कि जो आज जो विषय है प्रभु भोज का, इसे हम काट कर भी YouTube पे अलग से अपलोड करेंगे ताकि लोगों को प्रभु भोज के बारे समझ आए, क्योंकि प्रभु भोज का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। सो मैं सबसे पहले परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ जिसने ये बात मुझे मेरे मन में लगाई और जिसने मुझे थी। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु भोज हम क्यों लेते हैं। हम सबसे पहले एक वचन को देखेंगे। हाँ, बैठ जाओ। हम लूका में जाएंगे, लूका की पुस्तक, लूका 22। हाँ, आज नोट करते जाना क्योंकि आज परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने वाला, आपकी जिंदगी से हर प्रकार के रोग दूर करेगा। क्या करेगा? क्योंकि जब परमेश्वर की लोग उसकी बात को समझते हैं तो मैं जानता हूं कैसे लोग हील होते हैं, डिलीवर होते हैं, कैसे ब्लेस होते हैं। और आज का जो सर्मन है वो भी इन्हीं बातों पर है, ठीक है? सो हम सबसे पहले इस वचन को पढ़ेंगे, लूका 22:14। यहां पे ऐसे लिखा, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसे तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए थी, ये मेरी देह जो मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। आमीन, हालेलुया। तो जहां पे ऐसे यीशु मसीह ने चेलों को ये फसे भोज क्या है, जो प्रभु भोज क्या है, तो उसने ऐसे अपने चेलों को कहा कि जरूरी था, क्या था, कि मेरी उस घड़ी, मतलब वो घड़ी मेरे क्रूस पे मृत्यु, मतलब उस मौत को लेने से पहले ये मैं फसे भोज मैं आपके साथ खाऊं। तो लिखा उसने ऐसे धन्यवाद किया और अपने चेलों को वो रोटी दी, क्या दी, रोटी दी। और फिर उसके बाद उसने कटोरा भी एक दिया जिसमें लिखा कि ये कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, क्या है, एक नई वाचा। तो ऐसे करके यीशु मसीह ने उनके साथ प्रभु भोज किया, क्या किया, जिसे हम फसे भी बोलते हैं। हाँ, नए नियम में से लोग प्रभु भोज बोलते हैं और पुराने नियम में से बोलते फसे। ये फसे क्या है जो आज प्रभु भोज में तब्दील हो गया? हम
निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे, पुराने नियम में, निर्गमन पंजाबी में कूच कहते हैं, कूच की पुस्तक, उसका 12 अध्याय उसकी 1 से पढ़ेंगे। यहां पे ऐसे लिखा, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना, यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। क्या रखे? और आगे लिखा, और तुम्हारे के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। ऐसे परमेश्वर ने उस समय इज़राइलियों को एक ऐसे अपना वचन दिया अपने दास मूसा के द्वारा कि तुम फंसे बोझ के लिए एक मेमना लेना। क्या लेना? अगर किसी की फैमिली में उसके घर के जो लोग हैं कम हैं, जैसे कईयों की फैमिली क्या होती है, बड़ी होती है, हा? बड़ा परिवार होता है, कईयों के क्या होता है, एक ही बच्चा, दो बच्चे, तीन, हा? तो पुराने समय में तो काफी थे, है ना। तो उसने कहा अगर किसी की फैमिली में, किसी के परिवार में कम क्या है, जी जिसे बोलते हैं जन, तो आप जो आपके पास पड़ोसी है नजदीक वाले, आप उनको उस वो मेमने के हिसाब से कि कितने लोग उसे खा सकते हैं, उन्हीं को इनवाइट करना। क्यों ऐसे कहा? क्योंकि ज्यादा लोग अगर कम है तो वो बचना नहीं चाहिए, इसलिए गिनती के हिसाब से तुम, अगर आपकी फैमिली के कम लोग हैं तो आप पड़ोसी, जो आपके पड़ोसी हैं उनकी फैमिली से देखो कितने लोग, उसी के हिसाब से मेमना क्या करना, बलिदान करना। हाँ, ऐसे कहा उसने। हाँ, क्योंकि आगे पढ़ेंगे और आगे लिखा 5 में, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। ये निर्दोष मतलब ये ऐसे क्यों परमेश्वर ने कहा कि वो मेमना जो फसे के लिए तुमने देना वो 1 वर्ष का और नर हो। हाँ, निर्दोष का मतलब, अभी एक जीव, जब जी मैं वचन पढ़ रहा है तो मैं सोच रहा था कि हाँ, इंसान पाप करता है, जानवर कौन सा पाप करेगा। हाँ, अतः परमेश्वर ने मुझे ऐसे ये समझ दी अपने इस वचन की के निर्दोष का मतलब, जैसे जैसे पशु पंक्षी भी, जैसे इंसान है, ऐसे वो भी एक दूसरे के साथ जो ग्रस्त होते हैं तो वो बच्चों को पैदा करते हैं आगे, तो वो ऐसा कोई जीव ना हो। इसलिए उसने कहा 1 ही साल का मेमना हो, कितने साल का, और निर्दोष हो। और आगे लिखा, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। मतलब उसे लेकर इस महीने में 14 दिन पहले उसे रख छोड़ना, ठीक है। और उस दिन गोदिल के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। ये गोदिल शब्द पंजाबी में ऐसे लिखा होगा कि उस मेमने को, उस बकरी को जो आपने जो मेरे लिए फसे बोझ करना है, शाम के समय बलि करना, मतलब शाम के समय उसे काटना, उससे पहले नहीं। परमेश्वर ने टाइम भी दिया, क्या दिया, सब कुछ, है ना। आज भी परमेश्वर सब कुछ बताते हैं अपने वचन के द्वारा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो निकाल शाम को बलि करना। और साथ में लिखा, तब मैं उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलग और चौखट के सिरे पर लगाए, और वह उसके मांस को उसी रात आग में भूस कर खमीरी रोटी और कड़वे साग पत के साथ खाएं,
उसको सिर पैर और अंतड़ियों के समेत आग में भूज कर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना। तो परमेश्वर ने हर चीज उन्हें बताई कि इसे खाना भी कैसे, हाँ, इसे बोझ कर, मतलब समझना, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि पुन के, कैसे भूज कर, मतलब पुन के खाना, मतलब उसको पानी में नहीं पकाना, हाँ, जैसे हम बनाते हैं, हाँ, जैसे हम घर में मीट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, पानी में। तो परमेश्वर ने कहा कि उस मेमने को कैसे खाना, आग भी, आग में भूस, मतलब भून कर, है ना, ऐसे भून कर, तो उसमें पानी में नहीं पकाना और ना ही कच्चा खाना, ऐसे करना। सब कुछ बताया परमेश्वर ने कैसे उसे लेना, हाँ। और फिर उसने ऐसे कहा कि उसका लहू, जो मेमने का लहू है, हाँ, उसको जो जो लोग खाएं उसके घरों की चौखट पर लगा देना। क्या लगा देना? घरों की चौखट पे, है ना। और दस में लिखा, और उसमें कुछ भी सवेरे तक ना रहने दे, रहने देना, यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना, मतलब खाना नहीं, अगर बच जाए तो उसे खाना नहीं सवेरे, उसे आग में क्या कर देना, बाकी का जला देना। और 11 में लिखा, और उसके खाने की यह विधि है कि कंबर बांधे, पांव की जुत्ती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उसी उस रात को मैं मिश्र के देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिश्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिश्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। क्या हूं मैं यहोवा हूं। तो ऐसे परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम ऐसे करोगे तो उसी रात में क्या करूंगा, उसी रात में उसने कहा मिश्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिश्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु जितने भी पहलौठे हैं मैं उन सबको मारूंगा, क्या करूंगा, और उनके देवताओं को, उनके जिनकी वो पूजा करते हैं मिश्र के लोग, उनको भी परमेश्वर ने कहा मैं दंड दूंगा, उनके देवताओं को भी क्या करूंगा, मैं दंड दूंगा। आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर क्या है? और 13 में लिखा, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिश्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। तो परमेश्वर ने उन्हें कहा कि ये जो लहू है मेमने का, इसका लहू तुम अपने घरों की चौखटे पर लगा देना, और जब मैं मिश्र में उनको मारने के लिए उनके मनुष्यों के जो पहलौठे समझे ना, जो प्लेठी का बच्चा होता है, चाहे पशु हो चाहे मनुष्यों के, मैं सबको मारूंगा, और जिस जिस घर पर जे लहू लगा होगा मैं क्या कर दूंगा, उन्हें छोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा, एक चिन्ह दिया परमेश्वर ने, हाँ। और 14 में लिखा, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना, वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाएगा। आमीन, हालेलुया। और ऐसा उस समय परमेश्वर ने क्यों इज़राइलियों को यह अपना वचन ऐसे दिया पुराने नियम में, और आज वो वसीबो जो प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ, हाँ, उस घड़ी आने से पहले मेरी इच्छा थी कि मैं आपके साथ क्या करूं, वसीबो, क्योंकि पुराने नियम में ये फसे की जो विधि है परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को दी थी, हाँ, उन्हें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। आज जो नए नियम में मसीह के ब्लड में तब्दील हो गई, हाँ, पुराने नियम में तो परमेश्वर ने अपने लोगों को जो मिश्र में गुलाम हो गए थे, क्या थी, तो उन्हें बचाने के लिए ये विधि दी थी कि एक मेमना लेना, उसे कैसे खाना, कैसे जाना, अगर किसी फैमिली के लोग कम है तो पड़ोसी को, पड़ोसी के जो पड़ोसी आपके नजदीक पड़ोसी हैं उनके हिसाब से देखना वो कितने लोग हैं, और उन्हीं के हिसाब से, हाँ, और ये जो मेमना है ये एक ही वर्ष का हो और नर हो, सब कुछ उसे बताया। फिर उन्हें कहा कि ये लहू अपनी घरों की चौखटों पर लगाना, हाँ, क्योंकि मैं उन्हें मारूंगा, पर जिस घर पे ये लहू लगा होगा मैं छोड़ दूंगा। और तब
जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाने के लिए ये काम ऐसे किया, तो फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, ये स्मरण के लिए तुम करते रहना। इसके बाद भी ये नहीं है कि नहीं करना। हाँ, जो मैं आज का दिन मैं ठहरा रहा हूं और ये आपके लिए एक दिन ठहरेगा और आपके स्मरण के लिए कि मैंने आपको कैसे छुड़ाया, और उसकी यादगिरी में ये चीज तुम किया करना। और पुराने नियम में इजरायली इस फसे को हर साल पर्व की तरह मनाते थे, जिसको आज हम प्रभु यीशु मसीह में प्रभु भोज करके मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रभु भोज। हाँ, कुछ लोग इसे महीने बाद, कैसे, एक महीने के बाद इसे प्रभु भोज लेते हैं, कुछ लोग 15 दिन के बाद भी, कुछ लोग हफ्ते बाद भी ऐसे करते हैं। हाँ, क्या करते हैं, समझ रहे हैं? इसीलिए इस वचन को हम और भी आज क्लियर करेंगे। हम इब्रानियों की पुस्तक में जाएंगे, इब्रानियों 9 की 13 से, जहां पे ऐसे लिखा, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख का अपवित्र लोगों का छिड़का जाना शरीर की अशुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आमीन, हालेलुया। क्या करो? जीवते परमेश्वर की, है ना, जैसे बकरों और बैलों का और क्लोर, है ना, क्लोर पंजाबी में इसे क्या क्या बोलते हैं, इसे शायद ऐसे जैसे वो गांक का जो बच्चा होता है छोटे से बड़ा हो जाता है, उसे पंजाबी में उसे वैड बोलते हैं, शायद ऐसे ही लिखा होगा, है ना, वैड, है ना, वैड बोलते हैं, है ना, जब किसी गांक का जो छोटा बच्चा है तो उसे ऐसे बोलते हैं, हम तो उसे बच्ची बोलते हैं, जहां बच्चा, तो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे वैड बोलते हैं, इसे हिंदी में क्लोर कहते हैं। हाँ, तो लिखा कि उनके लहू का छिड़का, छिड़का मतलब शरीर की अशुद्धता के लिए लोगों को उस समय पवित्र करने के लिए किया जाता था। क्या किया जाता था? पर अब मसीह के लहू जिसने परमेश्वर ने सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारे विवेक को जो मरे हुए कामों को ना शुद्ध करेगा, क्या ना करेगा, किसका लहू हमें शुद्ध करेगा, हाँ, क्या करेगा? इसीलिए लिखा कि बकरों और बैलों के लहू से किसका लहू उत्तम है, है ना, और इसको हम और भी क्लियर करेंगे। इसको इसी 9 की 25 में भी पढ़ेंगे, 25 और 26, ये नहीं कि मैं अपने आप को बार बार चढ़ाई, जैसा कि महाजाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करते थे, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। आमीन। क्या कर दे? वो जगत में इसलिए प्रकट हुआ कि जैसे लिखा कि पुराने नियम में जो महाजाजक थे प्रति वर्ष पापों के लहू के लिए क्या करते थे, वो बलिदान करते थे परमेश्वर के लिए, क्या करते थे, बार बार बलिदान करते थे, है ना, तो लिखा नहीं तो जगत की तुपदी से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर युग के अंत में मैं एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को क्या कर दे। हाँ, क्योंकि वो जो फसे बोझ था, एक पाप जो शुरू में पाप हुआ था, क्या हुआ था, पाप, और उसको परमेश्वर ने उस पाप की पुराने नियम में इसराइलियों को यह विधि दी उनको छुड़ाने के लिए। हाँ, समझे हूं। और आज परमेश्वर ने यीशु का लहू के द्वारा क्या कर दिया, पाप क्या कर दिया, हमारे जीवन के दूर कर दिए, क्या कर दिए, और ये अब बार बार नहीं, बोलो क्या है,
अब ये चीज बार बार करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं, क्या नहीं है, मैंने क्या कहा, ये चीज आप बार बार करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं, समझ आ रही है। और प्राणी नियम में जैसे उस चीज को पर्व मनाने के लिए, फंसे बोझ के लिए जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया तो ऐसे कहा था, क्या कहा था, पर ये लिखा कि यीशु मसीह इस अंतिम युग में प्रगट हुआ जो एक ही बार बलिदान हुआ, क्या हो गया, क्योंकि वो हर साल बलिदान करते थे, एक ये बात क्लियर है, क्यों हर साल उस पर्व को मनाने के लिए उस क्या करते थे, मेमने को बलि करते थे। अब हमारे लिए वो, जैसे प्रेरित पॉल भी कहता है कि यीशु भी हमारे लिए फंसे बोझ मेमने की तरह क्या हुआ है, बलिदान हो गया, क्या हो गया हमारे लिए, बलिदान हो गया। तो अभी बार बार करने की जरूरत नहीं, क्या नहीं है, बार बार करने की जरूरत नहीं। हाँ, क्योंकि उसने चेलों को कहा, अभी हमने लूका में पढ़ा ना कि उसने कहा कि ऐसे रोटी तोड़ी, क्या दी तोड़ी, कि ये मेरी देह है, और फिर उसने कहा कि ये मेरी वाचा का एक कटोरा लेकर कहा कि मैं मेरा लहू, इसे ऐसे मेरी वाचा का लहू समझ कर पियो, समझ आ रही। यीशु मसीह ने ऐसे कहा कि उन्हें मेरी याद करी में, क्योंकि मैं अपना शरीर तुम्हारे पापों के लिए और अपना लहू देता हूं, आमीन, क्या देता हूं, मैं रोटी का तोड़ने का मतलब, और बाद में कटोरा लेकर उसे एक नई वाचा का लहू के नेम में उन्हें देने का मतलब क्या है, क्योंकि यीशु मसीह उन्हें सिखा रहा था कि मैं अपना शरीर इस पूरी दुनिया के लिए, जगत की लोगों के लिए, हाँ पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए, ऐसे नहीं कि समझ रहे हो, पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए, तो मैं अपना शरीर और अपना लहू देता हूं, और ये तुम मेरी यादगरी में किया करना, क्या करना, तुम ये चीज मेरी यादगरी में किया करना, यादगरी कैसे किया करना, यादगरी मतलब समझ रहे, जैसे आज हमने, आज हम प्रभु भोज लेंगे, तो यादगारी का मतलब हम उसे याद करते कि कौन हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और मर के जी उठा, ताकि हमें इस प्रभु भोज लेने से का मतलब पता होना चाहिए, और ये कि हमारे पापों के लिए कौन मरा है, हाँ, और जो उसकी देह को खाता और पीता है, क्या है, जो उसकी देह को खाता और पीता है, हाँ, कुरिन्थियुस की पत्री में ऐसे पौलुस ने कहा कि जो इसे खाएगा, यीशु की लहू को खाए और पिएगा, उसने कहा कि तुम में बहुत से रोगी क्यों हैं, क्या है तुम में से, क्योंकि उन्हें इस उसे खाने की विधि का पता नहीं, क्यों रोगी हैं, कहता है तुम में से इतने लोग रोगी क्यों हैं, क्या है, उसने कहा तुम में से इतने रोगी क्यों, हाँ इस वचन को भी पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हाँ, ये पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, नहीं सॉरी, तो 11 की 11 की पढ़ेंगे, एक सेकंड, ये तो लंबा है, बस हम उसी वचन को देखेंगे। अगर हम 23 से पढ़ेंगे तो यहां पे ऐसे लिखा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु में पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचाती कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह फड़वाया, क्या रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी थी जो तुम्हारे लिए और मेरे संबंध के लिए यही किया करो।
इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, जे कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे समन के लिए यही किया करो। जब तक क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। आमीन। क्या करते हो? प्रचार करते हो ना, मतलब हम प्रचार करते हैं ना कि क्यों, कौन हमारे पापों के लिए, मतलब हमारे पापों के लिए कौन क्रूस पर मरा। बोलो क्या है, समझ आ रही है? हम उसकी यादगारी के लिए, स्मरण के लिए इस चीज को करते हैं। क्या करते हैं? उसने भी ऐसे है ना कुरिन्थियस की कलीसिया को भी ऐसे बताया हा? और इसका मीनिंग यही है कि आज लोगों को पता होना चाहिए कि जिस प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, हाँ पुराने नियम में तो वो मेमना करते थे, पर हमारे लिए भी कौन सा मेमना, फसे बोझ का, प्रेरित पौल कहता फसे बोझ का मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ, और एक ही बार हुआ, वो तो बार बार हर साल हर वर्ष क्या करते थे, हाँ उस बलिदान को चढ़ाते थे, हाँ पर हमारे लिए वो एक ही बार बलिदान हुआ जिसकी यादगारी में हम आज प्रभु बोझ करते हैं। क्या करते हैं? जिसकी क्या करते हैं? और जो लोग इसे खाते हैं, क्या करते हैं? जो लोग इसे खाते और पीते हैं, क्या करते हैं? इस अन्नति भी पढ़ेंगे, अन्नति में ऐसे लिखा, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, क्या ना करें, वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता, इसलिए हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। आमीन, हालेलुया। हाँ, कहते हैं अगर तुम खाते पीते, पौलुस ने कहा, तुम उसकी देह को ना पहचानो तो तुम अपने आप पर दंड लेकर आ रहे हो। हाँ, इसलिए उसने कहा तुम में से बहुत से रोग निर्बल और रोगी हैं, क्योंकि उन्हें इस नियम का पता नहीं है कि कैसे इस नियम को लेना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक को यीशु मसीह की देह, मतलब जो हम इस प्रभु भोज को रोटी और नियम का वाचा का लहू समझकर पीते हैं, हाँ, और जो लोग इसे नहीं लेते नहीं पीते, हाँ, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, जो अभी तक किसके नहीं हुए, किसके नहीं हुए। मैंने कई लोगों को मैं मिला और मैंने पूछा आपने बपतिस्मा क्यों नहीं, कहते अभी लेंगे। क्यों क्यों नहीं वो ले रहे? क्योंकि वो उनके मन में ये संकोच है कि अभी हम कुछ गलत चीजें कर रहे हैं, अभी वो कर लें फिर बाद में, हाँ उससे पहले अगर शैतान ने कुछ कर दिया फिर संसार की चीज को प्राप्त करते, जो सदा काल की वो स्वर्ग आपको परमेश्वर देने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आया और उसने क्रूस पर इतना दुख उठाया, उससे आप क्या रह जाओगे, तो फायदा है। इसलिए क्यों उसने कहा कि तुम अगर सारे जगत को कमाए, अगर अपनी जान को गवाए तो क्या फायदा, अगर तू पूरी दुनिया को कमा ले अगर अपनी जान को गवा दे तो फायदा है? कुछ कोई फायदा नहीं। हाँ? क्योंकि दुनियादारी की ये चीजें जिसके लिए इंसान बहुत मेहनत करता है कहां पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। हाँ? इसलिए बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया और वो प्रभु भोज में शामिल होने के लिए उन्हें ये समझ नहीं है, और अगर किसी ने लिया तो उसको फलस कहता है वो खाते पीते देह को पहचानते नहीं। हाँ? इसलिए वो आप में इतने सारे निर्बल और रोगी हैं, क्योंकि उन्हें इसका मीनिंग का पता नहीं, मतलब नहीं, पूरी तरह अच्छे से वो जानते नहीं। हाँ? कितने लोग तो बपतिस्मा लेकर भी क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं। हाँ? कितने लोग बपतिस्मा लेके व्यभिचार में पड़े हुए हैं। हाँ? गंदी वीडियो देख रहे हैं, फ्रेंडशिप कई कुछ है उनके जीवन में, आज भी बपतिस्मा ले लिया है फिर भी वो ऐसे है, तो वो प्रभु भोज ले रहे हैं तो लिखा वो अपने ऊपर दंड का कारण लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? एक तो ऐसे है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिन्हें पता ही नहीं है कि लेना है कि नहीं लेना, तो कुछ 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 तो ऐसे लोग हैं जो आए हैं मगर उन्हें ये नहीं पता, वो कहते हमने क्या बपतिस्मा लेना, हमने बपतिस्मा लेकर क्या करना, हमारा तो बस काम होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं।
पर उसने कहा, जो मेरी देह को खाएगा, मेरे लहू को, वाचा की ये नेम का वाचा स्मरण के लिए, याद के लिए उसे खाएगा और पिएगा, वो कभी भी रोकी नहीं रहेगा। हाँ, उसके जीवन में हर प्रकार की क्या होंगी, आशीषें होंगी, बरकतें होंगी, जो उसे समझ कर लेगा, खाएगा और पिएगा। समझ आ रही है? और ये बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए, जिसको परमेश्वर ने अंधकार से बुलाया और अपनी ज्योति में बुलाया। हाँ, अंधकार से कहां से बुलाया आपको? ज्योति में बुलाया। समझ आ रही ना? क्यों बाइबल कहती कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को क्या करो, और भी ध्यान करो। हाँ, ऐसे नहीं जी आज प्रभु बोल लो जी दो जी क्या चलो कोई बात नहीं दे दो, हाँ आराम से खा लिया, जैसे जैसे घर की रोटी खाते, घर में पानी पीते, ऐसे ऐसे खा लिया और ऐसे पी लिया, एक समान ऐसे समझ कर इसे खाओगे पियोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, आपके अंदर दिल से ऐसे होना चाहिए, ये मेरे प्रभु की उस रोटी, जब उसको आप खाओगे उसको पियोगे तो आपके मन में ऐसे होना चाहिए, ये यीशु मसीह की देह। हाँ, कोई अपनी एक उंगली का ये क्या बोलते हैं इसे, पोटा, ये काट के दे सकता है? उसने अपनी देह तोड़वाई हमारे। कोई दे सकता अपनी एक उंगली का पोटा? हाँ, दे सकता है? किसी में इतनी हिम्मत नहीं, पर उसने हमें जीवन देने के लिए उसने ये प्रेम किया और अपनी देह को हमारे लिए तोड़वाया और अपने लहू को बहाया ताकि हमें जीवन मिले। क्या मिले हमें? जीवन मिले। और उसमें हमारे जीवन की सब आशीषें हैं, गुड हेल्थ है, अच्छा फाइनेंस और एक अच्छी जिंदगी इसमें छिपी हुई है। पर अगर समझ के हम खाते और पीते नहीं है तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? इसलिए सबके लिए इसको लेना बहुत जरूरी है। क्या है बोलो? प्रभु भोज को लेना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा ये मेरे स्मरण के लिए, मेरी याद के लिए चेलों को कहा ये किया करना। ठीक है? और ये बहुत जरूरी है।